राजधानी जयपुर के अंदर आयोजित होने वाली पटवारी परीक्षा के लिए अब यातायात पुलिस सतर्क हो गई है और वहीं यातायात पुलिस ने इसके लिए तमाम तरह के बंदोबस्त भी कर रखे हैं, जिससे किसी भी विद्यार्थी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट, क्या कहकर किस प्रकार से राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर यह बंदोबस्त किए हुए हैं। जयपुर पुलिस उपायुक्त यातायात सीता धाकड़ ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कल आयोजित होने वाली पटवार परीक्षा 2021 का आयोजन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को लेकर के जयपुर में आने वाले और जाने वाले परीक्षार्थियों को सुगम व सुव्यवस्थित यातायात उपलब्ध कराने के लिए यातायात अधिकारियों के साथ बैठक कर यातायात प्रबंधन की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि इस बार भी पहले की तरह पास सैटेलाइट बस स्टैंडों का स्थान निश्चित किया गया है, जिसके जरिए जयपुर के सभी कोणों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था के लिए बस व्यवस्था की गई है। इन सैटेलाइट बस स्टैंड ऊपर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर जयपुर के परीक्षा केंद्रों की संपूर्ण जानकारी परीक्षार्थियों के उपयोग रहेगी। इससे किसी भी परीक्षार्थियों को कोई सुविधा और ना मिलने की आसार नजर नहीं आए हैं। परीक्षा के समय पर संपूर्ण जयपुर शहर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था भी रहेगी, जिसमें बाहर से आने वाले बाहरी वाहनों का यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस सहायता बूथ पर परीक्षार्थियों के लिए लोकल बस व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी परीक्षार्थियों के लिए याद रहेगी और सड़क पर यातायात कम रहे इसके लिए पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। उसके कारण ये है कि ये बहुत सबका कोऑर्डिनेटेड और मिला जुला एफर्ट था और ये काफी सक्सेसफुल है। उसी तर्ज पे मैं चाह रही हूँ कि ये जो भी अपनी पटवार भर्ती की जो परीक्षा है उसमें भी आप जैसे लोगों को बताएं, क्योंकि सेम जो सभी से आप सभी से थे, हमने फीडबैक भी लिया था, बातचीत भी की थी, तो आप सभी ने यही कहा था कि ये जो अपना एक प्रयोग था कि 5 सैटेलाइट जो बस स्टैंड है यहाँ वाला प्रयोग जो है ये काफी सक्सेसफुल रहा है और ये आगे भी रहना चाहिए। तो उसी तर्ज पे जैसे अपने 5 जगह हैं, जैसे विद्याधर नगर है, अपना सूरजपुर मंडी है, अपना टीपी नगर के पास बजरी मंडी है, तारू की कूट के अंदर और 200 फुट जो अपना रोड है उसके पास बदरवास, तो अभी भी वही 5 जगह हैं और उन पे जो है अधिकारी लेवल पे जो अपने यहाँ से अधिकारी जाएंगे वो अपने यहाँ पे एडिशनल DCP स्तर के जो है कमिश्नरेट से लगाए गए हैं और भरपूर जाब्ता उधर दिया जाएगा और उस जाब्ते को जो है पूरा ब्रीफिंग भी है और वहाँ पे जितने भी अपने कैंडिडेट्स आएंगे, चूँकि बस स्टैंड्स वगैरह टोंक रोड, अजमेर रोड, सीकर रोड, दिल्ली रोड, आगरा रोड, ये सभी को कवर कर रहे हैं। हमारे जो है हमने कैंडिडेट्स भी प्रतिदिन के जो देख लिए हैं और पूरा जो मेन भार है एक तो वेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा जा रहा है और एक अपना आगरा रोड और दिल्ली रोड पे पूरा भार है, तो उसको देखते हुए हमने संपूर्ण जाब्ते का पूरा प्लानिंग किया है और प्लानिंग में ये जिस प्रकार से डाइवर्जन है हम 11 जगह डाइवर्जन दे रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह, और डाइवर्जन में जैसे अपना ईस्ट में इंडिया गेट इस्कॉन टेम्पल हो गया, अपना रिंग रोड हो गया, इधर वेस्ट में अपना मुरलीपुरा कालवाड़ पुलिया हो गया, अपना नॉर्थ में सड़वा मोड़ और रामगढ़ मोड़ हो जाएगा और पुरानी साउथ में अपना 200 फिट और पुरानी चीज़ें। अब जो है डाइवर्जन हम जो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हो गए हमारे ये वाले पॉइंट कि भाई यहाँ से हैवी व्हीकल और हमारे लोडिंग व्हीकल और तीसरा जो है स्लो मूविंग व्हीकल, इन तीनों को 3 दिन के अपन प्रतिबंधित कर रहे हैं, कल सुबह 5 बजे से लेके 22 तारीख को 5 बजे से लेके 25 तारीख को सुबह 5 बजे तक ये हैवी व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल और लोडिंग व्हीकल सब प्रतिबंधित कर रहे हैं और उनके लिए नाके कल सुबह 5 बजे से लग जाएंगे, जो कि 25 तारीख को 5 बजे तक ये लगेंगे। और इसके अलावा जो डाइवर्जन जो अपन कर रहे हैं, जैसे टोडी मोड से अपन कर रहे हैं, रिंग रोड से डाइवर्जन कर रहे हैं, 200 फुट अपना जो एक्सप्रेस हाईवे है इधर की तरफ सभी रोड्स का हम डाइवर्जन करेंगे और मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारी परीक्षा है सरलीकरण से हो, जो ट्रैफिक है कम से कम बाधित हो और हमारे सारे लोग और हम खुद, हमारी जो खुद की टीम है हम सभी ऑन फुट रहेंगे और इस पे जो है सारी परीक्षा को देखेंगे और अपने जो है पुलिस सहायता बूथ लगाए जाएंगे जगह जगह पे और पूरी हमारी जो टीम ने पूरी प्लानिंग कर ली है, मीटिंग हो गई है और जैसे जैसे आप लोगों का भी जो व्यू आएगा, लोगों का जो व्यू आएगा उसी आधार पे आगे की प्लानिंग भी हो जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।